संसद परिसंघ द्वारा प्रति वर्ष शौर्य दिवस के रूप में रैली को निकाला जाता है, जिसको आज संगठन के आदेशानुसार गीता जयंती के अवसर पर निकाला जाता है। पूरे देश में शौर्य दिवस के नाम से आज ये रैली को निकाला गया है, जिससे आज गुरु जिले में भी बजरंग दल की सिंधु परिषद द्वारा ये भव्य रैली शौर्य प्रदर्शन किया गया। इसको लेके ये रैली निकाले थे और क्या संदेश देना चाह रहे थे? विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी आज पथ संचलन का कार्यक्रम किया है। मेन बजरंग दल का उद्देश्य ये था कि अयोध्या में जो राम मंदिर का हमारा जो निर्माण करने का जो संकल्प था, प्लस गौ हत्या जो निरंतर अभी होती जा रही है, वो उसके बाद हिंदुत्व के प्रति अभी जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में भी हमारे कवर्धा में कांड हुआ है, रायपुर में जिस तरीके से कांड हुआ है, ये सारे चीज को रोकने के लिए विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल ने एक संकल्प लिया हुआ था कि 6 दिसंबर से लेकर 19 दिसंबर तक के अलग अलग जिले में भारतवर्ष के अपने पथ संचलन का कार्यक्रम करेगा, जो अभी प्रदेश के लगभग जिलों में किया गया है। आज विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के नेतृत्व में पूरे जिले में हम लोगों ने पथ संचलन का कार्यक्रम किया है। मैं राकेश सिंधे, विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के नेतृत्व चौक से अग्रेसन चौक में पूजा हुआ राम मंदिर में। अग्रसेन चौक से दीदी पटेल भाई चलो ले लो ना उसका भी ले।